अरे मोदी जी, संभाल के समझ में नहीं आता, इतने बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठे आप ट्रॉली पर लादकर साइकिल से कैसे खींच लेती है। इतना वजन तो सिर्फ ट्रैक्टर ही खींच सकता है, लेकिन आप अपनी साइकिल से इतने वजन को खींच लेती है, मेरी बात तो समझ में ही नहीं आ रही है। राहुल, ये बात तुम्हारे समझ में आए कि नहीं आए मुझे कोई लेना देना नहीं। अगर इस ट्रॉली के ऊपर और लकड़ी के लट्ठे भी होते तो भी मैं अपनी इस साइकिल से खींच के ले जाता। मोदी जी, संभाल के इस ट्रॉली को ले जाना अपनी साइकिल से, कहीं लट्ठे गिर ना जाए, क्योंकि इन लकड़ी के लट्ठों को मैं लकड़ी मंडी तक पहुंचाने के भरपूर भाड़ा दे रहा हूं आपको। भाड़ा क्या दे रहे हो लालू जी? दौलत दे रहे हो, 500 रुपए दे रहे हो यहाँ से लकड़ी मंडी तक इन लकड़ी को पहुंचाने का। और इन लकड़ी के लट्ठों को क्या मैं पहली बार ले जा रहा हूँ लकड़ी मंडी? कई बार ले जा चुका हूँ, जो आप कह रहे हो कि संभाल के ले जाना। अरे मोदी जी कैसे? राहुल बिल्कुल सही पूछ रहा है, किस तरीके से आप साइकिल से इस लकड़ी से लोडेड ट्रॉली को अपनी साइकिल से खींच लेती हो? वजह तो बताओ कैसे। क्या बताऊं केजरीवाल तुम्हें, बस खींच लेता हूं। हिम्मत होना चाहिए, मेरी साइकिल में इतना दम है कि मैं लकड़ी का इतना वजन अपनी साइकिल से खींच लेता हूं। मोदी जी, आप लकड़ी के इतने ज्यादा लट्ठे लकड़ी मंडी में ले जा रहे हो, एक लकड़ी का लट्ठा मुझे भी दे दो, क्योंकि मुझे घर के दरवाजे बनवाना है। दे दो एक लकड़ी का लट्ठा, यहीं पे बेच दो। राहुल, ये लकड़ी का लट्ठे मेरे धोनी है, ये तो लालू जी की है। मैं तो भाड़े पर उनके लकड़ी के लट्ठों को लकड़ी मंडी तक पहुंचाने के लिए जा रहा हूं अपनी साइकिल ट्रॉली से। अगर तुम्हें लकड़ी का लट्ठा खरीदना है, लालू जी से बात कर लो, एक आध लट्ठा कम हो जाएगा तो मेरी ट्रॉली पे भी वजन कम हो जाएगा, खरीद लो यहीं के यहीं पे। राहुल बुरा मत मानना, मैं एक एक करके फुटकर लकड़ी का लट्ठा यहाँ पर नहीं बेचता हूँ, मैं तो इकट्ठा माल लकड़ी मंडी में जाकर बेचता हूँ। मोदी जी, यही कमी है आपकी साइकिल में, साइकिल को तेज गुना चलाओ। हम पैदल पैदल चल रहे हैं, इतने ही तेज आप चल रहे हैं। अगर ट्रैक्टर होता अब तक जाने कहाँ पहुँच गया होता, भाड़ा भरपूर लेते हो आप, और ट्रैक्टर के ऊपर हम भी बैठे होते, हमें पैदल चलना पड़ता है। आप साइकिल से लकड़ी मंडी तक इसे ले जाते हो, इन लकड़ी को हम पैदल जाते हैं पीछे पीछे चलते हुए। लालू जी, आप यूं ही पैदल जाते हो? आप इसलिए अपनी ट्रॉली के पीछे जाते हो कोई लकड़ी का लट्ठा उतार ना ले चुपके से? चलो मैं साइकिल की स्पीड बढ़ा देता हूँ, तेजी से चलता हूँ, फिर तुम्हें भागना पड़ेगा पीछे पीछे। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आप सबको तो मालूम ही है अपने इस गांव में पिछले 10 साल से दंगल कराया जाता है, कुश्ती का प्रोग्राम कराया जाता है, और दूर दूर से लोग इस कुश्ती को देखने के लिए आते हैं। पिछले 10 साल से तो मोदी पहलवान जी और राहुल पहलवान जी के बीच कुश्ती हो रही है, लेकिन एक दूसरे को कोई नहीं गिरा पाया है। कुश्ती हमेशा बराबर पर छूटती है, देखते हैं इस साल क्या होता है। लालू जी, सबसे पहले तो मैं गांव की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ जो इतनी मात्रा में हमारी कुश्ती को देखने के लिए आए। और रही बात इस बार की कुश्ती की, इस बार की कुश्ती तो मैं ही जीतूंगा। इस बार मैं धोबी पचाड़ यानी के धोबिया पाट दांव की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके आया हूँ, राहुल को एक ही बार में गिरा दूंगा। अरे मोदी जी, 10 साल से तो आप मुझे गिरा नहीं पाए हो, अब क्या गिराओगे? मैं तुम्हारे धोबिया पाट दांव का अच्छी तरीके से काट जानता हूँ, समझे? तुम मेरे निकल दांव से निकल कर दिखाओ। राहुल, मैं तुम्हारे निकल दांव से तो निकल जाऊंगा, तुम मेरे बगल डूब दांव से नहीं निकल पाओगे, इस बात की गारंटी है। इस बार की कुश्ती तो मैं ही जीतूंगा। अरे कैसे बगल डूब दांव से मैं नहीं निकल पाऊंगा? तुम मेरे साड़ी तोड़ दांव से नहीं निकल पाओगे, देख लेना। अरे साड़ी तोड़ दांव की प्रैक्टिस मैंने बहुत की है, उस दांव से तो मैं आसानी से निकल जाऊंगा, तुम मेरे जांघिया दांव से नहीं निकल पाओगे, देख लेना, ये कुश्ती तो मैं ही जीतूंगा। अरे जाओ मोदी जी, कला जंग दांव से तुम मेरे नहीं निकल पाओगे, देख लेना, ये कुश्ती तो इस बार मैं ही जीतूंगा। अरे क्या मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा लगा रखा है मोदी जी, राहुल जी मुझे लगता है तुम दोनों सिर्फ मुंह के ही शेर हो। ये गांव वाले इतनी दूर दूर से आए, इन्हें कुश्ती तो लड़के दिखाओ, 10 साल से तो एक दूसरे को तुम लोग गिरा नहीं पाए हो, सिर्फ यही कहते रहते हो कि मैं ये दांव सीख के आया हूँ, मैं ये दांव सीख के आया हूँ। एक दूसरे को गिराओ तो बराबर पे कुश्ती छूट जाती है तुम दोनों की हमेशा हर साल। इस बार तो दंगल का टिकट भी बढ़ा दिया गया है, 50 रुपए टिकट एक एक आदमी से लिया गया है। राहुल एक बात कहूँ, कुश्ती को इस बार भी बराबर पे ही छोड़ना है, इन गांव वालों को अगले साल भी तो बुलाना है, क्योंकि इस बार अगर अपनों में से एक भी गिर गया तो अगले साल ये देखने के लिए नहीं आएंगे, और अगर कुश्ती अपना दोनों की बराबर पे छूटी तो ये देखने के लिए फिर आएंगे अगले साल कि इस बार कौन गिरेगा, समझे मेरी बात को, इसीलिए बराबर पे कुश्ती छोड़ना है। हल्के हल्के बोलो मोदी जी, लालू जी सुन लेंगे, हाँ ऐसा ही करेंगे। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रोक लो राहुल अपनी साइकिल को, यही रोक लो यहीं पे। धन है भाई राहुल, आप तो धन है बिल्कुल। मेरे बारे में कुछ जानते हो? पता है मैं कौन हूँ?
अरे मोदी इंस्पेक्टर जी, आपको कौन नहीं जानता है, आपको तो हर कोई जानता है, इस एरिए के आप इंस्पेक्टर हैं। जब इतना पता है तो इतना भी तुम जानते होगे कि एक मोटरसाइकिल पे जब 3 सवारी होती है तुरंत मैं चालान काट देता हूँ, और वो तो मोटरसाइकिल होती है, जबकि तुम 3 सवारी साइकिल पर बैठे पड़े हो तो तुम्हारी साइकिल का भी चालान काटूंगा। राहुल मैं तुमसे कह रहा था इस एरिए में साइकिल मन लेके चलो, लेकिन तुम नहीं माने, अब देखो मेरी साइकिल का चालान कट जाएगा। अरे मोदी सर जी, हम राहुल को साइकिल चलाना सिखा रहे थे, इसीलिए मैं और योगी जी साइकिल को पकड़ कर चला रहे थे, राहुल गिर ना जाए, क्योंकि वो नया साइकिल चलाना सीख रहा है, इसीलिए साइकिल का चालान मत काटो। अखिलेश मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा, तुम साइकिल पकड़कर राहुल को साइकिल चलाना सिखा रहे थे, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ तुम दोनों लोग पीछे साइकिल पे बैठे हुए हो, तुम्हारी साइकिल का चालान तो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि 3 लोग बैठे हुए हो साइकिल पे। लेकिन मोदी जी एक बात तो बताओ, इस साइकिल के चालान पर कितना पैसा पड़ेगा? 100-200 रुपए पड़ेंगे। क्यों मोदी सर जी, योगी जी साइकिल पर सबसे बड़ा चालान है, 1000 रुपए का चालान कटेगा। मोदी जी 1000 रुपए का चालान? 1000 रुपए का तो चालान बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मुझे क्या, 1000 रुपए का अगर साइकिल का चालान कटेगा, ये पैसा तो राहुल ही देगा, क्योंकि राहुल ही मेरी साइकिल को इस एरिया की तरफ लाया है, हम तो मना कर रहे थे इधर लाने को। अरे अखिलेश, इस साइकिल के चालान का पैसा मैं क्यों भरूंगा, साइकिल तुम्हारी है, इस साइकिल का पैसा तुम ही भरोगे चालान का। अरे पूरा पूरा दिन मजे भी तो तुम ही लेते हो, पीछे साइकिल पर बैठ जाते हो और मैं साइकिल को खींचता हूँ चलाता हूँ, तुम दोनों में से एक भी साइकिल नहीं चलाता है। मुझे कोई मतलब नहीं, मैं साइकिल का चालान काट रहा हूँ, चाहे साइकिल के चालान का पैसा राहुल दे या अखिलेश दे, जब तक इस साइकिल का पैसा तुम जमा नहीं कर दोगे तब तक इस साइकिल को मैं अपने पास जमा कर ही रहूंगा। वैसे राहुल अखिलेश कौन सी मनुष्य घड़ी थी जो इस तरफ साइकिल अपना लोगों ने घुमा दी, अब बताओ 1000 रुपए का दंड पड़ेगा अपना लोगों पे। ऐसा करते हैं तीनों लोग बराबर बराबर पैसे दे देते हैं, 333-333 रुपए। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।